तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक करते हैं आप सभी को आज के इस बड़े मुकाबले में। बारिश की वजह से मात्र 5 ओवर का ये मुकाबला, लेकिन यहाँ पे टीम अफगानिस्तान ने 30 गेंदों पे 110 रन का बड़ा लक्ष्य सेट कर दिया है। पहली गेंद का सामना करेंगे शुभमन गिल, बड़े शॉट्स लगाने के पड़ेंगे, मुजीबुर रहमान करेंगे गेंद। ओ माय गुडनेस, पहली गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी 6 रन के लिए। ताबड़तोड़ शुरुआत यहाँ पे टीम इंडिया के द्वारा, पहली गेंद सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। अगर आपके इरादे मजबूत हो तो 130 रन से दोस्तों कुछ भी नहीं होते। क्या लगता है, क्या ये टीम इंडिया बड़ा लक्ष्य चेस कर पाएगी या नहीं? पहली गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, सिर्फ बल्ला रखा, अब कहीं ना कहीं दबाव जरूर होगा। मुजीबुर रहमान के ऊपर पूरे तरीके से दोस्तों दबाव होगा, क्योंकि पहली गेंद यहाँ पे बाहर भेज दी है बाउंड्री लाइन के बाहर। कलाएं का उपयोग, पीछे फील्डर मौजूद, क्या विकेट मिलेगा यहाँ पे? लीजिए दूसरी गेंद, सीधा हाथों में खेल बैठे, ब्रेक थ्रू मिलेगा यहाँ पे, जाना पड़ेगा वापसी। बढ़िया विकेट जरूर दिलाई यहाँ पे, लेकिन दोस्तों अब आएंगे विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए। देखते हैं विराट कोहली किस प्रकार की दोस्तों करते हैं बल्लेबाजी, जिम्मेदारी काफी होगी उनके ऊपर। शुभमन गिल 6 रन बना के जाएंगे वापसी। अब नए आने वाले बल्लेबाज विराट कोहली, घातक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी यहाँ पे अगर टीम इंडिया को ये बड़ा लक्ष्य चेस करना है तो। दो गेंदे, पहली गेंद 6 रन से, दूसरी गेंद विकेट मिली है यहाँ पे। ये बात काफी बढ़िया टाइमिंग है, यहाँ पे यकीनन 6 रन मिलेंगे। बाउंड्री के बाहर जाएगी गेंद, विराट कोहली ने आते ही बता दिया है कि भाई विराट बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। बिल्कुल आगे की गेंद, भरपूर फायदा, अंदर आती हुई गेंद थोड़ी सी जरूर थी, लेकिन सीधे बल्ले के साथ बिल्कुल बॉलर के सर के ऊपर से 6 रन। खतरनाक आज का ये मुकाबला दोस्तों चाहिए। पहली गेंद 6 रन, दूसरी गेंद विकेट, तीसरी गेंद 6 रन। इस बार कलाएं का उपयोग, लेकिन सामने है विराट कोहली, इस मरतबा गेंद जाएगी दोस्तों 4 रन के लिए। गेप तलाश करने में कामयाब हुए यहाँ पे, खतरनाक बल्लेबाजी, युद्ध के सबसे खतरनाक बल्लेबाजी मौजूद टीम इंडिया के पास, घातक बल्लेबाजी खिलवाड़ करते हुए गेंदबाजों के साथ। अब देखते हैं कहाँ पे गेंद डाली जाएगी, एक स्लिप जरूर लगाई है यहाँ पे, इस मरतबा देखते हैं कहाँ जाती है दोस्तों गेंद। इस बार भी गेंद को तारा बनाया, गेंद हवाओं से बातें करती हुई, हवाओं को छूती हुई, सीधा आसमान से टकरा के सीधा बाउंड्री लाइन के पायर। ओ माय गुडनेस, क्या बल्लेबाजी यहाँ पे दोस्तों देखने को मिल रही है। गेंद को भेजा सीमा रेखा पार, मुजीबुर रहमान पूरे तरीके से दबाव में आ चुके हैं। लक्ष्य बड़ा, लेकिन हिम्मत अगर हो, इरादे मजबूत हो तो लक्ष्य बिल्कुल छोटा लगता है। पहाड़ जितने टारगेट को यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल हैंडल करते हुए मात्र 88 रन से टीम इंडिया अपनी जीत से। इस बार तबाह पेटों पे गेंद की थी, लेकिन गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन के ऊपर से। पहले ओवर में आए 28 रन से जाएंगे अगले ओवर की तरफ, काफी महंगा ओवर यहाँ पे दोस्तों साबित होते हुए। अब एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ काई है, यहाँ पे दोस्तों आ चुके हैं मुजीबुर रहमान, लेकिन दूसरे छोर से जजई को थमाई गई है गेंद। 24 गेंदे 82 रन, क्या ये चेस हो पाएगा या नहीं? 24 गेंदे 82 रन। लीजिए इस मरतबा बैकफुट पे गए, कट कर दिया, यहाँ पे चतुराई दिखाई है रोहित शर्मा ने, क्योंकि काफी छोटी गेंद डाली थी, पहली ही गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। टीम इंडिया बिल्कुल दोस्तों खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए, काफी जल्दबाजी में दिखाई दे रही यहाँ पे टीम इंडिया। 23 गेंदे 76 रन अभी भी चाहिए, देखते हैं अगली गेंद किस प्रकार की डाली जाती है। 23 गेंदे 76 रन, बढ़िया मुकाबला जरूर जारी। ओ माय गॉडनेस, इस मरतबा उससे भी खूबसूरत शॉट, लेकिन हेड विकेट हो गए और बल्ला मार दिया दोस्तों यहाँ पे, विकेट में बल्ला मार दिया बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे। रोहित शर्मा को जाना पड़ेगा वापसी। 6 रन बनाने के बाद अब नए बल्लेबाज, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल KL राहुल आएंगे नए बल्लेबाज। देखते हैं राहुल किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं टीम इंडिया। 22 गेंदे 76 रन अभी भी चाहिए, देखते हैं क्या चेस हो पाएगा ये बड़ा लक्ष्य या नहीं। इस बार बढ़िया कनेक्शन जरूर, पहले ही गेंद 4 रन के लिए धकेल दिया गेप में, क्योंकि भाई बड़े शॉट तो यहाँ पे लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा दोस्तों यहाँ पे रन रेट है, रिक्वायर रन रेट काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से बड़े शॉट्स टीम इंडिया को बिल्कुल लगाने पड़ेंगे। 21 गेंदे 72 रन अभी भी चाहिए, 21 गेंदे 72 रन, क्या लगता है चेस कर पाएगी टीम इंडिया या नहीं? एक एक बार बताना लाजमी है आप सभी ने दोस्तों। और रिवर्स स्वीप का प्रयास मिलेंगे यहाँ पे भी 4 रन, 68 रन सिर्फ रह गए दोस्तों यहाँ पे, मात्र 68 रन रह गए। रिवर्स स्वीप का प्रयास खूबसूरत तरीके से बल्लेबाजी चलते हुए टीम इंडिया के द्वारा। 20 गेंदे 68 रन अभी भी चाहिए, क्या लगता है ये बड़ा लक्ष्य चेस कर पाएगी टीम या नहीं? 20 गेंदे 68 रन अभी भी चाहिए, ये बढ़िया गेंद बिल्कुल गेप जरूर तलाश किया है, लेकिन मात्र 1 रन मिलेगा यहाँ पे। टीम अफगानिस्तान सिंगल से बिल्कुल खुश होगी, क्योंकि
लक्ष्य काफी बड़ा है, बड़े शॉट्स अभी भी दोस्तों हर ओवर में यहाँ पे 22 रन लेने होंगे, हर ओवर में 22 रन लेंगे तो ही टीम इंडिया ये बड़ा लक्ष्य चेस कर पाएगी। फिलहाल आखिरी गेंद विराट कोहली स्ट्राइक में मौजूद, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया लेकिन सीधा की फील्डर के हाथ में कैच ड्रॉप। ये कैच कितना महंगा साबित होगा दोस्तों ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल जाएंगे अगले ओवर की तरफ, देखते हैं किसको थमाई जाती है गेंद। लीजिए जी राशिद खान आ चुके हैं दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए, पहली गेंद का करेंगे सामना राशिद खान सामने, बढ़िया कनेक्शन, ओह माय गुडनेस, कदमों का इस्तेमाल केएल राहुल के बल्ले से, कवर्स की जानिब 6 रन मिलेंगे, कहां पे डालेंगे गेंद। जब जब ये बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं दोस्तों इसी प्रकार की बल्लेबाजी देखने को मिलती है, बिल्कुल कवर्स की जानिब दिशा दिखाई 6 रन के लिए, 17 गेंद है 61 रन अभी चाहिए, पहली गेंद दोस्तों कदमों का इस्तेमाल 6 रन से, देखते हैं दूसरी गेंद, ओ इस मरतबा अच्छी गेंद, बिल्कुल बढ़िया गेंद, समझने में थोड़ा सा चूक है लेकिन यहाँ पे डॉट बॉल्स के साथ काम नहीं चलने वाला दोस्तों, बड़े शॉट्स तो लगाने ही पड़ेंगे, टीम इंडिया को बड़े शॉट्स की जरूरत है यहाँ पे। इस बार फिर से सेम दिशा सेम शॉट, खूबसूरत बल्लेबाजी, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, खूबसूरत बल्लेबाजी केएल राहुल के द्वारा, इनसाइड आउट काफी बढ़िया खेल रहे हैं आज दोस्तों, कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि विकेट में बिल्कुल दोस्तों गेंदबाजों के लिए मदद मौजूद है। 15 गेंद है अभी भी 57 रन से चाहिए, देखते हैं अगली गेंद इस ओवर की, 15 गेंद 57 रन से, इस बार तो खड़े खड़े खेल दिया, फील्डर भी मौजूद लेकिन जाएगी गेंद 6 रन के लिए, घातक बल्लेबाजी अगर पसंद आ रही है तो भाई कीजिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब, घातक बल्लेबाजी के एल राहुल के द्वारा, गुगली का प्रयास किया था लेकिन गेंद जाएगी 6 रन के लिए, 14 गेंद 51 रन अभी भी चाहिए, क्या लगता है ये बड़ा टारगेट चेस कर पाएगी टीम या नहीं, 14 गेंद 51 रन, इस बार का लैंक उपयोग, पीछे फील्डर मौजूद, क्या विकेट मिलेगी यहाँ पे, जी नहीं, वन बाउंस इनटू द फील्डर्स हैंड, अब देखते हैं आखिरी गेंद विराट कोहली क्या लगा पाएंगे दोस्तों बाउंड्री या नहीं, फील्डिंग में जरूर यहाँ पे चेंजेस करते हुए क्योंकि टीम इंडिया जानती है बड़े शॉट्स तो लगा नहीं पड़ेंगे, जिसकी वजह से बार बार दोस्तों यहाँ पे अफगानिस्तान की टीम फील्डिंग में चेंजेस करते हुए, भाई साहब इनसे खूबसूरत शॉट, क्रिकेट में कोई भी नहीं खेलता, बिल्कुल बॉलर के सर के ऊपर से इतना सीधा कि तीर भी शर्मा जाए, 122 मीटर का ये खूबसूरत छक्का निकला है विराट कोहली के बल्ले से, बदलू फारूखी को थमाई गई गेंद, 12 गेंद 44 रन, दबाव जरूर होगा केएल राहुल के ऊपर लेकिन पहली गेंद पे अगर बाउंड्री आती है तो जरूर दबाव यहाँ पे रिलीज कर सकते हैं, हवाई फायर जरूर किया, पीछे फील्डर मौजूद, क्या विकेट मिलेगी यहाँ, 6 रन मिलेंगे, पहली गेंद 6 रन, हालांकि गेंद काफी बढ़िया थी, पेड़ पे गेंद डाली थी, देखें एक बार नजर डालेंगे, गेंद काफी बढ़िया थी लेकिन पिकअप शॉट काफी बढ़िया, यहाँ पे पिकअप शॉट काफी बढ़िया, काफी मुश्किल होता है ये शॉट पिक करना, 11 गेंदें 38 रन अभी भी चाहिए, 11 गेंदें 38 रन, अगली गेंद इस ओवर की, गेंदबाज तैयार, 11 गेंदें 38 रन, यहाँ पे कलाइयों का उपयोग, फील्डर मौजूद, निकल गई गेंद 4 रन के लिए, मात्र 32 रन दूर दोस्तों टीम इंडिया, सॉरी 34 रन दूर टीम इंडिया, केएल राहुल जब जब बल्लेबाजी के लिए आते हैं दोस्तों इसी प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं, 10 गेंदें 34 रन, क्या टीम इंडिया ये बड़ा लक्ष्य चेस कर पाएगी या नहीं, केएल राहुल 36 पे कर रहे हैं बल्लेबाजी, लीजिए ये दबाव है बिल्कुल, फुल टॉस गेंद, गेंद जाएगी 6 रन के लिए, मात्र 28 रन दूर टीम इंडिया अपनी जीत से, क्या इस तीसरे T20 मुकाबले में आज टीम इंडिया जीत हासिल कर सकती है या नहीं, अभी भी दोस्तों मैच बाकी है, 9 गेंदें 28 रन अभी भी चाहिए, महंगा अव्वल फारूकी का, 3 गेंदों पे 16 रन ऑलरेडी दे चुके हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ये चले राइट आर्म, बढ़िया गेंद इस मरत बस सटीक यॉर्कर, मात्र 1 ही रन मिलेगा, अब दोबारा से स्ट्राइक पे आ चुके हैं विराट कोहली, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, 8 गेंदें 27 रन, अभी भी अगर 2 गेंदें सेव करते हैं तो दोस्तों अभी भी टीम अफगानिस्तान मैच में पूरे तरीके से वापसी कर सकती है लेकिन ये 2 गेंदें सेव करनी पड़ेंगी किसी भी प्रकार से, भाई साहब विराट कोहली बल्लेबाजी पे मौजूद है और आप गेंद सेव करने की बात कर रहे हैं, कैसी बात कर दी भाई साहब, गेंद जाएगी 6 रन के लिए, मात्र 21 रन दूर टीम ब्लू टीम इंडिया बिल्कुल यहाँ पे खुश दिखाई देते हुए, अब देखते हैं किसको दोस्तों क्या लगता है, 7 गेंद 21 रन, 15 गेंदों पे 55 रन की खूबसूरत पार्टनरशिप यहाँ पे लगा दी, आखिरी गेंद क्या लगता है बाउंड्री आएगी या नहीं, और रिवर्स स्वीप का प्रयास, क्या वाइड बॉल हो सकती है यहाँ पे क्योंकि ये यार काफी बाहर थी गेंद, जी नहीं वाइड नहीं दिया गया तो जाएंगे अगले ओवर की तरफ, करीम जन्नत को थमाई गई गेंद के राहुल के ऊपर, काफी दबाव होगा,
छह गेंदें 21 रन चाहिए सामने के एल राहुल। लीजिए भाई के पहली गेंद तो बिल्कुल ही पाले में दे दी, बना के दे दी गेंद, फुल टॉस गेंद जाएगी भाई इस मरतबा ग्राउंड से बाहर। पहली गेंद पे 6 रन से ठोक डाले यहां पे केएल राहुल ने, क्या ही बल्लेबाजी कर रहे हैं भाई केएल राहुल, गेंद हवाओं से बातें करती हुई। 5 गेंदे 15 रन, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान सोच रही होगी कि काफी बड़ा टारगेट सेट किया है, लेकिन भाई सामने है टीम इन ब्लू। बढ़िया कनेक्शन इस मरतबा बिल्कुल चतुराई दिखाई, तेज गेंद गति का इस्तेमाल किया। थर्ड मैन की जाने पे 14 गेंदों पे अपने 50 रन यहां पे मुकम्मल कर लिए केएल राहुल ने। देखते हैं अब कितने रन चाहिए, 4 गेंदे 11 रन चाहिए, मुझे लगता है इसी 2 गेंदों पे मैच फिनिश हो सकता है दोस्तों। कलाइयों का उपयोग, पीछे फील्डर मौजूद, क्या विकेट मिल सकता है यहाँ पे? जी नहीं, सीधा कैच ड्रॉप कर दिया और यहाँ पे विराट कोहली ने 2 की मांग की है, बिल्कुल 2 रन भी कंप्लीट कर दिए। अगर ये विकेट मिलती दोस्तों तो नए बल्लेबाज सामने आते, नतीजा कुछ और हो सकता था, लेकिन यहाँ पे दोस्तों सीधा कैच ड्रॉप कर दिया। 3 गेंदे 9 रन अभी भी चाहिए, देखते हैं अगली गेंद। 3 गेंदे 9 रन, जी नहीं, यहाँ पे आप सेट बल्लेबाज को यहाँ पे गेंद नहीं कर सकते, गेंद जाएगी 6 रन के लिए, मात्र 3 रन दूर, 2 गेंदे 3 रन दूर केएल राहुल। बिल्कुल दोस्तों मुंह से जैसे निवाला छीनते हैं उसी तरीके से आज अफगानिस्तान की टीम से मैच छीना है यहाँ पे, 2 गेंदे 3 रन, क्या यहाँ से टीम अफगानिस्तान कम बे कर पाएगी या नहीं? लीजिए इस छक्के की मदद से दोस्तों ये मुकाबला अपने नाम किया टीम इंडिया ने। अगर आपको आज का गेम प्ले पसंद आया तो भाई का चैनल कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि और ऐसे मैचेस हम आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।